बताएंगे बिना बूंदी फ्राई किए मोती चूर के लड्डू कैसे बना सकते हैं। इसमें घी का भी इस्तेमाल बहुत कम होगा। इसके लिए हमने एक कप चने की दाल ले ली है। इसे अच्छी तरह से धो के हम भिगो देंगे। चने की दाल को धो के हमने भिगो दिया है। इसे 2 से 3 घंटे छोड़ दें भीगने के लिए। चने की दाल भीग चुकी है, देखिए। अब इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डाल के हम इसे पीस लेंगे। इस तरह से दाल को पीस लिया है, इसमें थोड़ा पानी डाल के हमने ये देखिए इस तरह से पीस लिया है। इस तरह से सारी दाल को हमने पीस लिया है, देखिए। कढ़ाई में घी चढ़ा दिया है, घी को गर्म होने दे, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है हमें। घी को चेक कर ले गर्म हुआ कि नहीं। हाँ, ये गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये पकौड़ी डाल देंगे। पकौड़ी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, थोड़ी छोटी छोटी बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से लड्डू बनाने से इसमें घी का इस्तेमाल बहुत कम होता है। आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। घी या तेल कुछ भी आप ले सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी पकौड़ी डालें। गैस को मीडियम फ्लेम में रखें। ये इस तरह से पकौड़ी डाल दी है। अब इन्हें हल्का गुलाबी फ्राई करना है हमें। गैस को मीडियम और तेज करते रहें और पकौड़ी का कलर चेंज होने दें। इस तरह से पकौड़ी हो चुकी है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इस तरह से इन्हें अब हम निकाल लेंगे। घी अच्छे से झाड़ के निकालें। इसी तरह सारी पकौड़ी फ्राई कर लें। ये सारी पकौड़ी हमने फ्राई कर लिया है, अब इसे ठंडा होने दें। पकौड़ी ठंडी हो चुकी है, अब इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे। थोड़ी थोड़ी पकौड़ी डालें और इसे दरदरा पीसेंगे, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करेंगे। मिक्सी को रोक के चला के फिर इस तरह से दरदरा पीसेंगे। इस तरह से दरदरा पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करेंगे हम इसे। इसी तरह से सारे पकौड़ियों को हमने पीस लिया है। ये देखिए, बिल्कुल बारीक नहीं किया है, थोड़ा दरदरा रखा है इसे। इस तरह से पीस लिया है सारे पकौड़ों को। एक कप चने की दाल ली थी, इसलिए हमने एक कप भर के चीनी ले ली है। मीठा अगर आप ज़्यादा खाते हो तो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। हमने एक कप चीनी ली है। एक कप चीनी लिया है, इसमें हम एक कप पानी डालेंगे। 1/4 कप पानी और डालेंगे। 1 कप चीनी, 1/4 कप पानी ले लिया है। अब इसमें उबाल आने दें। चीनी में उबाल आ गया है। इसका तार नहीं बैठाएंगे, इसकी एक चिपचिपी चाशनी हम तैयार कर लेंगे। इससे लड्डू बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। 5 से 7 मिनट इसे पकाएं। मीडियम फ्लेम में इसे पकने दें। ये इस तरह से चिपचिपी चाशनी बन चुकी है। इसमें तार नहीं बैठाना है, इसमें बस चिपचिपापन आ जाए। 5 से 7 मिनट इसे उबालने के बाद ये करीब रेडी हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा केसरिया फूड कलर। कलर अच्छे से डालें जिससे लड्डू का कलर अच्छा आएगा। कलर डाल के इसे 1 मिनट उबाल लें। चाशनी हो चुकी है, गैस को बंद कर दें और इसे थोड़ा हिलाएं। अब इसमें कुछ केसर की पत्तियां डालेंगे, कुछ कटे हुए पिस्ते और बादाम ये भी डाल देंगे। 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। अब इसमें ये पीसे हुए पकौड़े डालेंगे।
केसर आपके पास ना हो तो नहीं भी डाल सकते हैं, यह आपकी मर्जी के ऊपर है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसमें पीसे हुए पकोड़े डाल दें। अब इन्हें हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। इस तरह से मिक्स कर लिया है। अगर ये आपको थोड़ा सख्त लगे तो इसमें आप थोड़ा सा हल्का गर्म पानी डाल सकते हैं, जरूरत हो तो डालें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें पहले। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितना अच्छा बना है, जैसे लगता है महीन दाना बना हुआ है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसके इस तरह से लड्डू बना लें। तुरंत ही लड्डू बनाना स्टार्ट कर दें। इस तरह से लड्डू बांध लें। अगर ये सूखा लगे तो आप इसमें हल्का गर्म पानी डाल सकते हैं, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा डालें बिल्कुल चम्मच से, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी है हमें। ये देखिए कितने अच्छे लड्डू बन गए हैं। इस तरह से सारे लड्डू बना लें। इस तरह से ले और इसे लड्डू की तरह बना लें। देखिए कितना आसानी से लड्डू बन रहे हैं। इसी तरह सारे लड्डू बना लें। बिल्कुल कम घी के, बिना बूंदी फ्राई किए मोती चूर के लड्डू रेडी हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, बनाने में भी बहुत ही आसान। 1 कप चने की दाल से 15 लड्डू बने हैं। लड्डू का साइज आपके ऊपर है, आप जितने बड़े या छोटे बना सकते हैं। आपको हमारी रेसिपीज पसंद आए तो आप शेयर जरूर करें। थैंक यू। इसी तरह से हमने मूंग दाल का हलवा भी बनाया है।